हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्पोर्ट्स लवर। तो दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC जो है सिर्फ 4 दिनों पे आ गया है, यानी कि 18 जून को इसका फाइनल स्टार्ट होगा और 22 जून को ख़त्म होगा। और ये फाइनल जो है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, जो कि इंग्लैंड में होने वाला है। दोस्तों, अगर वर्ल्ड इवेंट और उसमें प्राइज पूल ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, इसी के साथ ICC ने जो है दोपहर को ही इसका जो WTC का फाइनल प्राइस पूल डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि क्या है प्राइस पूल, वो भी इंडियन रुपीज में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें प्राइस पूल की, तो दोस्तों जो जीतने वाली टीम की उसको मिलेगा 1.6 मिलियन US डॉलर, जो कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो होता है 12 करोड़। एक अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है जीतने वाली टीम को। या अगर बात करें हारने वाली टीम को, यानी कि रनर अप टीम को मिलेगा 6 करोड़, यानी कि एक आधी अमाउंट विनिंग प्राइस मनी की। और जो तो सिर्फ दो ही टीम के लिए नहीं रखा है प्राइस पूल, जितने भी टीम खेले उन सबको भी प्राइस मनी मिलेगा। अगर नंबर 3 पोजीशन की बात करें तो जो नंबर 3 पोजीशन के लिए प्राइस पूल रखा है वो है 4,50,000 US डॉलर। अगर उसका इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो होता है 3 करोड़। और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया। वही बात करें नंबर 4 की टीम की, तो नंबर 4 टीम के लिए रखा है 3,50,000 US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 2 करोड़। और नंबर 4 पर है इंग्लैंड की टीम, वही नंबर 5 की टीम के लिए रखा है 2 लाख US डॉलर, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ होता है। और इसका नंबर 5 पर है पाकिस्तान की टीम, वही अगर जो नीचे के 4 टीम है उन सबको भी 1 लाख US डॉलर का अमाउंट मिलेगा, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो होता है 73 लाख। नीचे की 4 टीमें श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़, इन चारों टीमों को मिलेगा 73 लाख रुपीज़ का अमाउंट। तो दोस्तों, ये था कम्प्लीट प्राइस पूल का डिस्ट्रीब्यूशन तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कौन जीतेगा वर्ल्ड टेस्ट फाइनल। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।